लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हो, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लोकसभा की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम 10 लोकसभा। हर पार्टी को हर जगह प्रचार का अधिकार है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने अपना कार्य और गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियाँ बड़े अच्छी तरीके से प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आज के दिन प्रदेश की डेवलपमेंट को और प्रदेश के उद्धार को देखते हुए हमने अब तक काम किया है और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। जहाँ डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, चाहे वो दादरी के हो चाहे किसी और ज़िले के, सरकार ने 22 के 22 जिलों को बराबरी से, सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बराबरी से हमने टेकअप किया है और आज उसका नतीजा आने लगा कि पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट वर्क्स गति से आगे बढ़े। ऑलरेडी सरकार ने निर्णय, सीएम साहब ने भी हफ्ते पहले इसकी अनाउंसमेंट कर दी है कि इसको निल किया जाए। सर, लगातार बात ये आ रही थी गठबंधन को लेकर, आप आला नेताओं से भी मिले थे, उस दौरान आपने ये भी कहा था कि हमारा गठबंधन कहीं ना कहीं लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो, मुझे लगता है आप लोग नहीं चलने देना चाहते। मैं तो जहाँ जाता हूँ, सवाल एक है, आप मुझे बताओ कि सरकार के तौर पे दोनों पार्टियों की वर्किंग में कहीं कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो? आज राजनीतिक तौर पे संगठन को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मजबूत करना है, 10 लोकसभा में कैसे मजबूत करना है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास भी रहा है, अकाली दल हो, उनका बीजेपी के साथ पंजाब में था तो दोनों पार्टियों ने सब जगह प्रचार किया, लास्ट में आकर एमिकेबली एक रिजल्ट निकाला। आगे तो चुनाव डिक्लेयर होने दो, उसके बाद नतीजे लिए जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इन लोगों का गठबंधन हो सकता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और इन लोगों का गठबंधन होता तो लगता है कि बराबर में पहले करवाओ तो सही। मैं तो 6 महीनों से सुन रहा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।